सूत्रों के हवाले तो इस वेले की अहम खबर नवजोत सिंह सिद्धू ते मानहानि का केस दर्ज होया है। पुलिस वालों के काम नूं लै के व्यंग कसन ते विवादां दे विच रहे पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मुश्किलां हुण वध सकदीआं ने। ओह वी उदों जदों पंजाब दे विच चोणां सिरते ने। नवजोत सिद्धू दे वल्लों पुलिस वालों के खिलाफ की गई टिप्पणी नूं लै के DSP दिलशेर चंदेल ने कोर्ट दे विच क्रिमिनल डेफामेशन की पटीशन दाखिल कर दिती है, जो कि सबमिट हो गई है। इसते सोमवार को सुनवाई हो सकती है। पटीशन विच कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जान की परवाह किए बिना हर समय ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों के काम को लेकर जो टिप्पणी की है वो अपराध की श्रेणी के विच आती है, जिसके लिए धारा 500 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। एक बार फिर दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू से मानहानि का केस दर्ज होया है। DSP दिलशेर चंदेल ने कोर्ट के विच क्रिमिनल डेफामेशन की पटीशन दाखिल की सी, जिसनू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विधानसभा चोणां नूं लै के पंजाब दी सियासत पूरी तरह दे नाल पक्की हुई है, जिथे आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस पंजाब दे विच अपनी सरकार बनाउण दे लई अड्डी चोटी दा जोर लगा रहे ने। उत्थे विधानसभा हलका पटियाला शहरी तो पंजाब लोक कांग्रेस दे उम्मीदवार अते साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों बीते दिनी शहर दे विच रोड शो कढ़िया गया। किला मुबारक तो शुरू होए इस रोड शो दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उन्हां दी पत्नी ते लोक सभा मैंबर परनीत कौर भी शामिल होए। रोड शो शुरू होने तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हां दा परिवार 1763 तो शहर दी सेवा कर रहा है ते उन्हां नूं वी सेवा दा मौका मिलिया है। कैप्टन ने कहा कि पटियाला शहर हमेशा परिवार की तरह ही रहा है ते उन्हां नूं हमेशा बहुत प्यार ते सतिकार भी मिलिया है। उन्हां अपने कार्यकाल दौरान होए विकास कार्यां दी जानकारी दिंदिआं कहा कि पार्टी वालियां नूं हर सहूलत मुहैया करवाउण दे नाल शहर नूं साफ सुथरा ते पहले दर्जे दा बनाउण दे लई विकास कार्य कीते गए ने। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਸਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹਾਕੀ ਔਰ ਬਾਲ, ਉਸਕਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਥਾਰੀ ਮਤੋਂ ਸੇ ਵਿਜੇ ਦਿਲਾਏ। यह केवल कैप्टन साहब नहीं चाहते, यह पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, सारा हिंदुस्तान चाहता है कि कैप्टन साहब को पंजाब की धरती से भारी मतों से विजय प्राप्त होनी चाहिए। और मैं पंजाब की जनता को यह बतलाना चाहता हूं, हम कैप्टन साहब को क्यों जिताना चाहते हैं। हम कैप्टन साहब को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने सिर पर बैठा कर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे और आपके बीच के भाईचारों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने सदैव अपनी जिंदगी में गुरु नानक देव जी का वह संदेश कि सबसे बनाई सबसे भलाई के संदेश को माना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी गुरु नानक देव जी के उस संदेश को सबसे बनाई सबसे भलाई इसी संदेश को स्वीकार करती है, इसी को मानकर हमारी भारतीय जनता पार्टी चलती है। हम नहीं भूल सकते भारत को आजादी दिलाने में गुरु गोविंद सिंह जी उनके चारों पुत्रों ने जो बलिदान दिया है, बहनों भाइयों, भारत कभी उसे भूल नहीं सकता है। गुरु तेग बहादुर की बहादुरी उस शौर्य को सारा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने अपना शीश दे दिया लेकिन भारत का शीश नहीं झुकने दिया। बहनों भाइयों,
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब गई एक स्टालवर्ट, पंजाब के बड़ी पर्सनालिटी जिसने की हुकूमत भी चलाई है, पूरी ऑनेस्टी के साथ चलाई है, कोई माकालाल कांग्रेस के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा सकता है लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता है। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करती है, ऐसे ही लोगों को अपने सिर पर बैठाती है। इसीलिए मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का शिखर का नेता होने के बावजूद यह फैसला किया कि मैं पंजाब की जनता के बीच जाऊंगा। वैसे मैंने कई पब्लिक मीटिंग्स की है और इसीलिए मैं तय किया, आज हमारे चार कार्यक्रम में भी पब्लिक मीटिंग बाहर लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैंने फैसला किया कि यदि मैं कैप्टन साहब के लिए पंजाब की जनता के बीच नहीं जाऊंगा तो यह बराबर एक गिल्टी कॉन्शियस, यह अपराध का बोध मेरे अंदर रहेगा, इसीलिए आज यहाँ पर आने का मैंने फैसला किया है। अभी आपके पास केवल एक दिन का समय है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं और इस संदेश को पहुंचाया जाना चाहिए हर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों तक, पंजाब वासियों को भी, या भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को किस लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाया है और उनके साथ इस हम केवल पंजाब को ही नहीं बनाना चाहते, पंजाबियत की ही सुरक्षा नहीं करना चाहते बल्कि हम सारे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान का मस्तक सारी दुनिया में बहनों भाइयों हम ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अपने साथ लिया है। चोणा दा माहौल है ते इस दे विचकार सीएम चन्नी दे खिलाफ मानसा दे विच मामला दर्ज कीता गया है। कांग्रेसी उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला दे खिलाफ भी केस दर्ज कीता गया है। एक पासे जिथे सीएम चन्नी दे वलों एक चोन प्रचार दे दौरान पहिया लफ्ज़ दी वरतों करन ते पूरी तरह किर गए सन, उथे उन्हां चोन प्रचार दे आखरी दिन मानसा तो कांग्रेस पार्टी दे उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला दे हक दे विच तय समय तो बाद चोन प्रचार दे इल्जाम लगे ने ते धारा 188 दे तहत मामला भी दर्ज होया है। दरअसल शुक्रवार नूं चोन प्रचार दे आखरी दिन मानसा दे विच चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू मूसेवाला दे नाल चोन प्रचार कीता। इस दौरान मानसा पुलिस ने उन्हां समेत हलका मानसा तो कांग्रेसी उम्मीदवार शुभदीप सिद्धू मूसेवाला खिलाफ चोन जाबते की उलंघना करन दे दोष हेठां धारा 188 दे तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोवां उपर शुक्रवार शाम 6 बजे तो बाद चोन प्रचार करन दा दोष लगा है। इस गल दी पुष्टि मानसा दे एसडीएम हरजिंदर सिंह ने कीती है। वोटिंग दे लई पंजाब दे लोग तैयार ने। कल यानी कि 20 फरवरी नूं पंजाब दीआं 117 सीटां ते वोटिंग होएगी। सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक वोटां पैणगीआं। चोन कमिशन दे वलों पूरी तैयारी कीती गई है। पंजाब दे विच इस वेले 1304 उम्मीदवार इन्हां चोणां दे विच अपनी किस्मत अजमा रहे ने। 117 सीटां ते 1034 उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमा रहे ने। कल यानी कि 20 फरवरी नूं 2 करोड़ तो वध वोटर अपनी वोट दा इस्तेमाल करनगे। घर घर जाके उम्मीदवार अपना चोन प्रचार कर रहे ने। कई दिग्गजा दी शाख इस वेले दा ते लगी हुई है ते 10 मार्च नूं नतीजे आउणगे। कई हॉट सीटां इस वेले पंजाब दे विच बनिया हुईयां ने। इन्हां हॉट सीटां ते जेतू कौन रहेगा इसका भी फैसला कल होएगा। फिलहाल कल पंजाब दे विच वोटिंग होएगी। कई दिग्गज अपनी किस्मत अजमाउणगे। सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक वोटिंग होएगी। 117 सीटां ते उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमाउणगे। यूटी प्रशासन ने सरकारी दफ्तरां दे समें दे विच बदलाव कर दिता है तां जो शाम दे समें लोकां नूं ट्रैफिक समस्या दा सामना ना करना पवे। प्रशासन दे हुकम दे अनुसार हुण सरकारी दफ्तर सवेरे 9:30 बजे तो लैके शाम 5:30 बजे तक खुलणगे। पहलां सवेरे 9:30 तो शाम 5 बजे दे विचकार सरकारी दफ्तर खुल रहे सन। इस संबंधी प्रशासन दे सलाहकार धर्मपाल दे वल्लों हुक्म जारी कीते गए ने। हुक्मां दे विच कहा गया है कि मोहाली अते पंचकूला तो मुलाजम ही समें दे दफ्तर आउंदे ते जांदे ने, इस कारण उन्हां नूं ट्रैफिक समस्या दा सामना करना पैंदा है। यही कारण है कि दफ्तरां दे समें दे विच बदलाव कीता गया है। दस्सिआ गया कि वीरवार वॉर रूम दी बैठक दे विच फैसला लिया गया सी। इस कारण ही शुक्रवार यह हुक्म जारी कर दिए गए जो कि 21 फरवरी को लागू होंगे। चोन अखाड़ा भखिया होया ते कुछ घंटे बाकी ने। कौमी ते पंजाब दे वड्डे सियासी आगू वख-वख सीटां ते चोन प्रचार कर रहे ने।
इस बार भी सब तो हॉट सीट अमृतसर पूर्वी जिथे सियासत दे दो थम आमो सामने ने नवजोत सिंह सिद्धू ते विक्रम मजीठिया जिन्हां दे आमो सामने आउण दे नाल सियासत पूरी तरह दे नाल गरमाई हुई है ते अमृतसर पूर्वी दी सीट पूरी तरह दे नाल हॉट सीट बन चुकी है। वीरवार नूं इन्हां आगुआं दे प्रचार दे लई दो वड्डे चेहरे इत्थे पहुंचे। सीएम चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू ते हरसिमरत कौर बादल अपने भरा विक्रमजीत सिंह मजीठिया दे लई चोण प्रचार करन दे लई इत्थे पहुंचे। सीएम चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू दे हक दे विच प्रचार कीता ते लोकां नूं कांग्रेसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दी जित यकीनी बनाउण दी अपील कीती। लोक साडा चन्नी अज चारे पासे कर लग पए है, इक तरफा पंजाब हो गया है। बहुत वड्डी जित वल नूं कांग्रेस वध रही है। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी ते सारे लीडर इकट्ठे हो के आने वाली सरकार चलावांगे। सिद्धू साहब दे लई वी चोण प्रचार कीता है। देखो साडी पार्टी दे प्रधान है, मैं खुशी खुशी चोण प्रचार कीता और बहुत वड्डी लीड पर अज उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू जीत रहे। उधर अपने भरा ते भरजाई दे लई हरसिमरत कौर बादल ने प्रचार कीता। हरसिमरत बादल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया दे हक दे विच वोटां मंगियां। मालिक की कृपा नाल जेड़े बंदिया ने 18 साल हर ओहदे दा सुख हंडाया हैगा, लेकिन उस अमृतसर ईस्ट दे लोकां नूं अज ना सड़कां होए, ना साफ सुथरा पानी होए, ना गलिया हो, ना सीवर होए, सो एहो जे बंदे नूं लोकां ने 5 साल होर करके करना की है। श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार कामयाब करो। अज विक्रम होए, अब पंजाब दी धी होए, या सुखबीर जी होए, जिवें आपां नक्शा दरबार साहब ते दुर्गियाना मंदिर दे आर्द गिर्द नक्शा है, उस तरह आपां ईस्ट दा भी नक्शा बदलदा। Are you worried about your child's future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to 9th and plus one in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyatwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884728-57. Finding for a school to enroll in? Do you want to enhance your skills and abilities? Don't worry, Lala Kasturi Lal Sarvitkari Senior Secondary Vidya Mandir, affiliated to CBSE, offers you complete facilities of computer lab, high quality education, friendly environment with affordable fee structure and facility of Shishu Vatika for kids. Admission open from now for LKG to 9 and plus 1 in all streams. What are you waiting for? Build your child future at Lala Kasturi Lal Sarvitkari Senior Secondary Vidya Mandir, Mehraj Road, Rampura Phool, District Bathinda. Contact on 01651-505076 and 505077. For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhartiya Model Senior Secondary School, CBSE affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651-220279 and 01651-221279.